चलो देखो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, ठीक है, void add, ठीक है, यही एक एग्जांपल हम लोग देखे थे कल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह ही नहीं बचने वाली लग रहा है। ठीक है, हम लोग ने क्या बनाया था, void add बनाया था एक, कल प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, और एक क्या बनाया था, void subtract, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया, ध्यान से समझो इसको, ठीक है, अगर इसको समझ गए मतलब सब समझ जाओगे। दिख रहा है ना कि और बड़ा करो। चलो, ये क्या है, एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन में यहाँ पे अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट्स देना है, मतलब जो भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट है, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग आर्गुमेंट्स देते हैं, क्या देते हैं, आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब ये आर्गुमेंट्स जो होता है वो किसी वेरिएबल के रूप में हम लोग देते हैं, ठीक है, जैसे इंट एक्स, ठीक है, कॉमा इंट वाई, इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आया, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, इस प्रकार से हम लोग आर्गुमेंट्स देंगे। तो अगर हम लोग किसी भी फंक्शन में आर्गुमेंट्स देते हैं, ठीक है, और अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो किस टाइप का होगा, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थीके? ये यहाँ पे हम लोग जो पास किए इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन बनाया, void add, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं दिए। कोई भी आर्गुमेंट्स दिया है क्या, स्क्रीन पे देखते जाओ तुम, कोई भी आर्गुमेंट्स दिया है क्या, नहीं दिया है, कमेंट, ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास नहीं किया है, ठीक है। मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स। रिटर्न स्टेटमेंट दिख रहा है क्या इसमें कहीं भी, रिटर्न स्टेटमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये फंक्शन किस टाइप का है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और कोई भी आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आया समझ में, ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट टाइप, ठीक है, मैं इसी में बताते जा रहा हूं। यहां पे मैं ले लेता हूं सबट्रैक्ट, ठीक है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आर्गुमेंट लूंगा इंट एक्स, मैंने ले लिया सिंगल आर्गुमेंट, ठीक है, सिंगल आर्गुमेंट यहाँ पे लिया है इंट एक्स, ठीक है। अब ये इंट एक्स जो है लोकल वेरिएबल है, क्या है, लोकल वेरिएबल। वेरिएबल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल हमेशा हम लोग इस फंक्शन में ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ void main के अंदर में हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे बनाते थे, ठीक है। ये क्या होता था, ये लोकल वेरिएबल है इस void main फंक्शन के लिए। किसके लिए लोकल है, void main फंक्शन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि एबीसी को इस फंक्शन के अंदर यूज कर लूं तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि यहां पे मैं उसको एक्सेस कर लूं तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं एज ए लोकल वेरिएबल, ठीक है, एज ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। अगर हमने यहाँ कोई भी आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है, जब हम लोग इसको कॉल करेंगे,
जब मैं यहाँ पे void main के अंदर मैं इसको कॉल करूंगा, मीन सब्ट्रैक्ट, ऐसा मैं जब इसको कॉल करूंगा, ठीक है, तो यहां पे मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर, मीन्स फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम लोग को यहाँ पे एक वैल्यू देनी होती है, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पे पास होगी, इस आर्गुमेंट में पास होगी, ठीक है। वैल्यू 10 किस में आ जाएगी, अब कॉपी हो जाएगी x में, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जैसा भी ऑपरेट करना है वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, आया समझ में, ठीक है। अब थर्ड टाइप का हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मैं आर्गुमेंट में कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहां से कोई वैल्यू रिटर्न करूंगा, ठीक है, रिटर्न मान लो 0, ठीक है। यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट, इस फंक्शन से मैं एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, दिखा ये वाला, मैंने यहां पे क्या लिखा, रिटर्न 0, ठीक है। जैसे ही मैं यहां रिटर्न 0 लिखूंगा, सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, यहां पे void के जगह क्या लिख दोगे, int लिख दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां पे जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप हम लोग को यहां पे बताना होगा, ठीक है। तो 0 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखे, रिटर्न टाइप में इंट लिखे, ठीक है। अगर यहां पे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है और कोई भी आर्गुमेंट्स यहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो एक फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होगा, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। समझ में आया, आगे समझ में नहीं आया समझ में, ठीक है। तो फंक्शंस यहां पे क्या होते हैं, वो फंक्शंस कुछ आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और कुछ वैल्यू वहां से रिटर्न करते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू वहां से रिटर्न करेंगे। हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है, हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने एक फंक्शन बनाया void add, ठीक है, तो यहां पे जब मैंने इस फंक्शन को बनाया तो यहां पे जो हम लोग ब्रैकेट लिखे इसको बोलते हैं फंक्शन ब्रैकेट्स, क्या बोलते हैं, फंक्शन ब्रैकेट, ठीक है। यहां पे हम लोग आर्गुमेंट लिस्ट देते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट देते हैं, यहां पे हम लोग आर्गुमेंट्स कैसे देंगे, वेरिएबल के फॉर्म में देंगे, किसके फॉर्म में देंगे, वेरिएबल्स के फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट एक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट एक्स लिख, तो ये क्या है, ये आर्गुमेंट है, क्या है, आर्गुमेंट है, लेकिन आर्गुमेंट हम लोग कैसे दिए, एज ए वेरिएबल हम लोग यहाँ पे दिए, ठीक है, एज ए वेरिएबल ही हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल हम लोग कहाँ पे करते हैं, मेन के अंदर में करते हैं, ठीक है। मैं कैसे कॉल करूंगा इसको, एड ब्रैकेट लगाऊंगा और लगाऊंगा सेमीकोलन और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंट एक्स दिया, मतलब यहाँ पे मुझे इंटीजर वैल्यू पास करना है, आया समझ में। तो यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहे हैं वो कैसे कॉल हो रहे हैं, अगर वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो डिपेंड करता है इस फंक्शन पे, ठीक है। तो जब कॉल करेंगे हम लोग इसको, तो वहां आर्गुमेंट्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है, या वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके चार केसेस यहां बने हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चार केसेस कौन कौन से, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है, फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है,
जो यहां पे हमने देखा, ठीक है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है, फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स, फंक्शन कोई आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है, फंक्शन आर्गुमेंट्स भी एक्सेप्ट करेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया। सबसे फर्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप है यहाँ पे फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन मैंने बनाया। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, void add, ठीक है। डिक्लेयर करते समय पे ही हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, आर्गुमेंट लिस्ट देते हैं, ठीक है। अब वो कैसे देते हैं आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया void add, पहले मैंने उसको डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ उसको, डिफाइन मैंने कर लिया, ठीक है। उसके अंदर एक स्टेटमेंट है प्रिंट एड, मतलब वो एड प्रिंट करेगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टाइप देख रहे हैं, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट को ब्लैंक रखा और रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिखा, ठीक है, आया समझ में। कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं और कोई भी आर्गुमेंट्स यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तो हम लोग सिंपल ऐसे ही लिख के उसको कॉल करेंगे, आया समझ में। कैसे कॉल करेंगे, सिंपल ये नेम से हम लोग इसको कॉल करेंगे और लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शन कॉल, क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हुआ, ठीक है। अब सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं void subtract, ठीक है, मैं ऐसे ही नाम ले ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिखता हूं print f, ठीक है, subtract, ठीक है। अब सेकंड टाइप यहां पे हम देखते हैं, ठीक है, सेकेंड टाइप हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब आर्गुमेंट्स लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग ने क्या बना लिया है, यहाँ पे इंट एक्स करके एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, इंट एक्स करके एक वेरिएबल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये वेरिएबल जो हमने यहाँ पे बनाया, ये लोकल वेरिएबल होगा इस फंक्शन सब्ट्रैक्ट के लिए, क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा फंक्शन सब्ट्रैक्ट के लिए। और ये इंट एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ void subtract में ही एक्सेस किया जा सकता है, के बाहर अगर हम लोग इस एड में इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये लोकल वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने एक आर्गुमेंट लिया, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया। जब हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे इसको, कैसे कॉल करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अब यहाँ किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम लोग को क्या पास करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू ही पास करना पड़ेगा एज ए पैरामीटर, ठीक है। हम लोग जब फंक्शन कॉल करते हैं और वहां पे जो भी वैल्यू पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, क्या बोलते हैं, पैरामीटर, आया समझ में।
पैरामीटर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का हुआ फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हमने कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं जिसमें हम लोग थर्ड टाइप का फंक्शन देखेंगे, void divide। ठीक है, हम यहां पे देखेंगे फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड रिटर्न, सॉरी विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न जीरो, मैं यहां पे लिखा रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो मैंने यहां पे लिखा, वैल्यू किस टाइप की रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा और जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, हम लोग को इस रिटर्न टाइप में क्या बताना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जीरो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर सर, इंटीजर क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका डेटा टाइप हम लोग को यहाँ बताना पड़ेगा। अगर ये 0.0 रिटर्न करता तो किस टाइप की वैल्यू होती, फ्लोट वैल्यू होती, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलो कि सिंगल कोट में यहाँ पे डी रिटर्न करता तो किस टाइप की वैल्यू होती, कैरेक्टर सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैर लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से कोई दूसरी वैल्यू रिटर्न करती, लाइक यहाँ पे कोई भी इस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता, ये किस टाइप की वैल्यू है, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डबल लिखते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, इस टाइप की रिटर्न करते, इस टाइप की बड़ी बड़ी वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख लेता हूँ जीरो, ताकि हम लोग को समझने में आसानी रहे, और यहाँ पे लिख लेते हैं इंट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो किस टाइप का वैल्यू हुआ, सॉरी किस टाइप का फंक्शन हुआ, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसको कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं डिवाइड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब हम लोग को एक वैल्यू वापस दे रहा है, किस टाइप की वैल्यू दे रहा है, इंटीजर वैल्यू हम लोग को रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग को एक वेरिएबल लगेगा जिसमें हम लोग उस वैल्यू को रख सके। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बना के रखा है सी, मैंने इस सी में क्या किया, डिवाइड फंक्शन जो हमको वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो इस सी में मैं स्टोर कर दिया। ठीक है, सी में स्टोर कर दिया। सी क्या है, एक वेरिएबल है। डेटा टाइप क्या है उस वेरिएबल का, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया सर, आया। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन, तो उसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल लगेगा जो उस वैल्यू को कैच करके स्टोर कर सके। आया समझ में। ठीक है, अब लास्ट टाइप का हम लोग देखते हैं, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ void multiply। ठीक है, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया void multiply। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन में हम लोग को फोर्थ टाइप का देना है। ठीक है, क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट्स भी देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट पी, क्या ले लिया, इंट पी ले लिया। ठीक है, इंट पी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट लिया और यहाँ पे एक वैल्यू भी रिटर्न करूंगा।
रिटर्न वन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया रिटर्न वन, ठीक है। ये किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे क्या दूंगा? इंट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट मल्टीप्लाई और यहाँ पे एक आर्गुमेंट मैंने दिया, ठीक है। तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ? फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है और वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। अब जब हम लोग इसको कॉल करेंगे, जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे, कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद यहां पे हम लोग एक इंट पी, हम लोग ने एक लोकल वेरिएबल बनाया जिससे आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को एक वैल्यू देना पड़ेगा यहाँ पे, मैं दे रहा हूं यहाँ पे 20, ठीक है। और उसके बाद यहां से एक वैल्यू हम लोग को रिटर्न मिल रही है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न मिल रही है? इंटीजर टाइप की वैल्यू हम लोग को रिटर्न मिल रही है। तो हम लोग को एक वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा, तो मैंने बी नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो प्रिंट एफ लगा के हम लोग इस बी को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में? तो जो हम लोग को वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, ठीक है, आया समझ में? तो फोर टाइप्स के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फंक्शन